फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्रैकर्स। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी सीईटी 2017 में आ चुके हैं। ये सारे फ्रूट साइंस और प्लांटेशन क्रॉप के क्वेश्चंस हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये डिस्कशन थोड़ा अलग टाइप का है। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग कर दी है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी अच्छी या बुरी बातें होंगी वो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता दें, ताकि मुझे अगले वीडियो में हेल्प मिले कि मुझे ये डिस्कशन वाले क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। जो पहला क्वेश्चन 2017 में आया था वो था, केशो एप्पल इज़ अ सूडो एप्पल डेवलप्ड फ्रॉम। जो केशो एप्पल है वो जो है सूडो एप्पल है, वो कौन से पार्ट से डेवलप्ड है? ऑप्शन में थैलेमस, पेडंकल, एंडोस्पर्म और एरिल था। तो इसका आंसर आपको डिस्प्ले ऑलरेडी हो रहा है कि इसका केशो एप्पल जो है वो पेडंकल से डेवलप्ड होता है। अब हम ये समझते हैं पेडंकल से कैसे डेवलप होता है। तो इसका आंसर है पेडंकल। अब देखिए, ये यहाँ पास आपको स्क्रीन में दिख रहा है केशो एप्पल। इसमें ये जो केशो एप्पल है, इसमें जो एक्चुअल इसका फ्रूट होता है वो ये वाला पोर्शन है, केशो नट। और ये है आपका केशो एप्पल। अब ये केशो एप्पल जो है, ये जो आपका पेडंकल दिख रहा है ना, यही पेडंकल जो है आगे जाके स्वेलन होके मतलब फूल के केशो एप्पल का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं केशो एप्पल इज अ स्वोलन पेडंकल। ये एडिबल पार्ट के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एडिबल पार्ट ऑफ केशो एप्पल इज, तो वो होगा स्वोलन पेडंकल, या केशो एप्पल क्या है, तो केशो एप्पल स्वोलन पेडंकल है। ओके, अच्छा, इसी केशो एप्पल से एक बेवरेज बनाया जाता है जो भी क्वेश्चन में आता है, जिसे बोलते हैं फैनी। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आता है फैनी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो ऑप्शन में आपको केशो एप्पल भी देगा और केशो नट भी देगा, तो आपको टिक करना है केशो एप्पल। इसके अलावा अगर हम जो है ये देखिए, ये आपका जो है वो केशो एप्पल है और इसके नीचे ये नट। तो जो हम काजू खाते हैं वो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये है केशो नट, बट ये जो है वो है केशो एप्पल। और इसकी लाइफ बहुत कम होती है, मतलब हाईली पेरिशेबल होता है, 2 से 3 दिन में ये ख़राब हो जाता है। तो इसका जूस बना के रखते हैं फैनी, ये जो है गोवा में बहुत फेमस है। ऑप्शन में आपने थैलेमस भी पढ़ा था, तो थैलेमस भी एक पार्ट है फ्लावर का। ये फ्लावर के पार्ट्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो थैलेमस है उससे कौन कौन से फ्रूट्स डेवलप होते हैं, तो वो है आपका स्ट्रॉबेरी, एप्पल, क्वींस, पियर और लोकवार्ट। इतना आपको याद रखना है थैलेमस का। इसके अलावा नेक्स्ट है एंडोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन इसमें था एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो है हमारा ये जो पोर्शन है इसे एंडोस्पर्म कहते हैं। जब एंडोस्पर्म जो है शुरुआत में कोकोनट में लिक्विड के रूप में होता है, धीरे धीरे ये जो है जम जाता है और एक कोपरा का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आप कोकोनट का ये जो कोपरा दिख रहा है, ये एंडोस्पर्म से डेवलप्ड है। तो कोकोनट का एडिबल पार्ट है एंडोस्पर्म। फिर नेक्स्ट हमारा आता था, चौथा ऑप्शन दिया था वो था एरिल। तो एरिल क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो पोर्शन व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये जूसी पोर्शन जो दिख रहा है सीड में, यही आपका एरिल है। एरिल क्या होता है, एरिल कुछ नहीं, ये जो है सीड कोट जो होता है, सीड का जो आउटिंग बाहरी आवरण होता है जिसे सीड कोट कहते हैं, उसी का आउटग्रोथ होता है। तो ये एरिल जो है वो सीड के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। अब ये एरिल जो है दो अलग अलग क्रॉप में, ये जो है एडिबल पोर्शन है, एक है आपका पोमग्रेनेट और दूसरा है लीची। तो अपन देख सकते हैं ये जो पोमग्रेनेट में ये जो लीची में दिख रहा है ये थोड़ा फ्लैशी होता है, इसलिए इसको फ्लैशी एरिल बोलते हैं। बट यही जो आपका पोमग्रेनेट में देखा जाए तो ये जूसी होता है, इसलिए पोमग्रेनेट के केस में इसे जूसी एरिल भी बोलते हैं। तो एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट जूसी एरिल होगा, जबकि लीची का फ्लैशी एरिल। सेकेंड क्वेश्चन जो सीईटी 2017 में पूछा गया था वो था, अपियरेंस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट डायरेक्टली ऑन द मेन स्टेम ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। ऑप्शंस थे कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट, टर्मिनल बियरिंग, रेगुलर बियरिंग एंड एक्सियल बियरिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रूट और फ्लावर अगर डायरेक्ट ट्रंक में लगता है या मेन स्टेम में लगता है तो उस बियरिंग हैबिट को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट। ये मिसप्रिंट होकर यहाँ पर जैकफ्रूट हो गया, एक्चुअली इसका आंसर है कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट। अब ये कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट क्या होता है पहले ये समझते, फिर लाइन से टर्मिनल और एक्सियल और इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट, जब मेन स्टेम में जो प्लांट का जो मेन स्टेम होता है या जिसे ट्रंक कहते हैं उसमें डायरेक्टली अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट बोलते हैं। यहाँ पास ये जो है ये मेन ट्रंक है प्लांट का, हमने कटहल जैक फ्रूट देखा ही है जिसमें क्या होता है मेन ट्रंक में फ्रूट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, तो इसे कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट कहते हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है, अपियरेंस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट डायरेक्टली ऑन द मेन स्टेम, तो इसका आंसर जाएगा कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, पहला तो है आपका जैक फ्रूट, ये जो है डायरेक्ट स्टेम में लगा है। इसके अलावा दो और एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना है, पहला है कोकोआ, उसके अलावा कैरम्बोला।
ये कोकोवा है और ये कैरम्बोला है, तो टोटल तीन, कोकोवा, कैरम्बोला और जैक फ्रूट, ये तीन जो है वो कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट शो करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में हमने टर्मिनल बियरिंग हैबिट भी देखा। टर्मिनल बियरिंग हैबिट का मतलब क्या होता है कि जब टर्मिनल पोर्शन में यानी कि लास्ट छोर में प्लांट के ब्रांच के टर्मिनल पोर्शन में अगर जो है फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे टर्मिनल बियरिंग हैबिट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पास हम देख सकते हैं लीची में टर्मिनल पोर्शन में ये इसका डंठल है बट इसके लास्ट में फ्रूटिंग हो रही है, ऐसे ही ये बनाना ये भी टर्मिनल पोर्शन में था। ये मैंगो भी देखिए टिप पोर्शन में हो रहा है ना, तो इस टाइप के बियरिंग हैबिट को बोलते हैं टर्मिनल। जनरली JRF वगैरह में इसके क्वेश्चंस बनते हैं तो हमेशा हमको एग्जाम्पल याद रखना है लीची, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट और लोकवाट। इसके बाद इस ऑप्शन में एक और था एक्सियल बियरिंग हैबिट। एक्सियल बियरिंग हैबिट यानी कि एक्सियल से मतलब है यहाँ पास एक्सिस, जब एक्सिस में फ्रूटिंग आती है या फ्लावरिंग आती है उसे एक्सियल बियरिंग हैबिट बोलते हैं। मतलब जहाँ पास से पत्तों का फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं, अगर वहाँ पास फ्लावरिंग या फ्रूटिंग आ रही है तो उसे एक्सियल बियरिंग हैबिट बोलते हैं। इसे हम क्लियरली ये बियर गुआवा में देख सकते हैं, ये जो है एक्सिस वाला पोर्शन है जहाँ पास से पत्तियों का फॉर्मेशन होता है, वहीं से फ्लावर और फ्रूटिंग आ रही है। ये हम फ्रूट एप्पल में देख सकते हैं, सिट्रस में भी, तो ऐसे टाइप के बियरिंग हैबिट को बोलते हैं एक्सियल बियरिंग हैबिट। तो इसके एग्जांपल हैं गुआवा, एप्पल, सिट्रस, जिसमें से गुआवा, एप्पल और सिट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है, पपाया, पियर, पीच, प्लम, एप्पल और कस्टर्ड एप्पल। इसके अलावा एक और टाइप की बियरिंग हैबिट होती है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड बियरिंग हैबिट। मिक्स्ड बियरिंग हैबिट मतलब वो बियरिंग हैबिट जिसमें टर्मिनल और एक्सियल यानी कि आखिरी छोर में भी और ये जो एक्सिस वाला पोर्शन है इसमें भी, दोनों में जब बियरिंग हो तो उसे मिक्स्ड बियरिंग हैबिट बोलते हैं। ये पोमग्रेनेट में देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, रिकल्सिट्रेंट टाइप ऑफ सीड इज, रिकल्सिट्रेंट टाइप ऑफ सीड कौन सा है? तो रिकल्सिट्रेंट टाइप ऑफ सीड के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, जैक फ्रूट, फालसा, पपाया और पोमग्रेनेट। तो इसका आंसर है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट हमारा रिकल्सिट्रेंट टाइप ऑफ सीड है। अब हम ये जानते हैं कि रिकल्सिट्रेंट होता क्या है। तो देखिए दो टाइप के सीड होते हैं, पहला होता है रिकल्सिट्रेंट और दूसरा होता है ऑर्थोडॉक्स। पहले रिकल्सिट्रेंट को समझते हैं। तो रिकल्सिट्रेंट सीड्स वो सीड होते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड कहने का मतलब इनकी वियबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने तक वियबल होते हैं। अब देखिए इस रिकल्सिट्रेंट का सीड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इस बेसिस पे किया गया है कि ये वो सीड होते हैं जिसको जिसको हम जो है 12 से 15% तक के मॉइस्चर तक ही ड्राई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नीचे तक हम जो है ड्राई नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा नीचे ड्राई करेंगे तो उसकी जो वियबिलिटी है वो लूज़ हो जाएगी। तो ऐसे सीड्स जिनको हम सिर्फ 12 से 15% के मॉइस्चर कंटेंट तक हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं उसके मॉइस्चर को वियबल रखते हुए, उसे क्या कहते हैं, रिकल्सिट्रेंट सीड। चूँकि इसमें क्या होता है कि 12 से 15% तक मॉइस्चर होता है तो इसको क्या है, हम फ्रीजिंग टेम्परेचर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर में अगर स्टोर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो 12 से 15% मॉइस्चर है वो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे और सीड को डैमेज कर देंगे। इसीलिए इसको डेसिकेशन सेंसिटिव सीड भी कहा जाता है। इसलिए हमेशा जब रिकल्सिट्रेंट सीड्स जो भी होते हैं, जिसके जो भी एग्जाम्पल हैं, वो सारे सीड्स या वो फ्रूट प्लांट्स के सीड्स को हमेशा ग्रोइंग कंडीशन में स्टोर करके रखते हैं या कंजर्व करके रखते हैं। ग्रोइंग कंडीशन कहने का मतलब इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब उसको फील्ड में ग्रो करके रखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैक फ्रूट, जामुन, मैंगो, लीची। जैक फ्रूट, जामुन, मैंगो और लीची बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैंगो और लीची का सीड का टाइम भी पूछा जाता है। तो लीची सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए वियबल होता है जबकि मैंगो 3 से 5 हफ्ते। इसके अलावा रेम्बूटान, कोकोआ, एवोकेडो, मैंगोस्टीन भी रिकल्सिट्रेंट के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड हमारा आता है ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ सीड। तो ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ सीड वो सीड होते हैं जो कि लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मतलब ये जो है लंबे समय के लिए वियबल होते हैं, लंबे समय के लिए इनकी वियबिलिटी होती है। अब ये जो है इनको मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे देखा जाए तो ये वो सीड्स होते हैं जिनको अप टू 5% तक इसके मॉइस्चर को कम किया जा सकता है। मात्र 5% मॉइस्चर रहने के बावजूद ये सीड्स जो है क्या होते हैं, वियबल होते हैं। तो ऐसे सीड्स को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। और ये जो है लॉन्ग लिव्ड होते हैं, इसको हम जो है लो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर कम होने के कारण क्रिस्टल फॉर्मेशन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए इसको, चूँकि ये जो है इसे हम लो टेम्परेचर में स्टोर करके रख सकते हैं इसलिए इसको डेसिकेशन फ्री सीड बोलते हैं, जबकि रिकल्सिट्रेंट को नहीं कर सकते इसलिए डेसिकेशन सेंसिटिव सीड्स बोलते हैं। अब ये ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, इसको हम जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। चूँकि इसे हम लो टेम्परेचर में अलग से इसके सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इसके लिए हमें इसके प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सीड स्टोरेज में या सीड बैंक में इसके सीड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। इसका सबसे मेन एग्जांपल है पपाया।
तो क्वेश्चन में जो हमारे चार ऑप्शन थे वो था पहला जैकफ्रूट, पपाया, आंवला और बेर। तो रियल सी ट्रेंड इसमें कौन सा है, तो जैकफ्रूट है। बाकी सारे जो है पपाया, आंवला, बेर, टेमरीन, गुआवा, एप्पल, ग्रेप, डेट पाम, फीक, फालसा, पोमग्रेनेट, ये सारे ऑर्थोडॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, इसमें जो हाईलाइटेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, एयर लेयरिंग इज मोस्ट कॉमन इन, ऑप्शन है आपका मैंगो, लीची, सपोटा, आंवला। तो आंसर यहाँ पर दिया है लीची। अब एयर लेयरिंग जो है मोस्ट कॉमन है लीची में। अब हम लाइन से देखते हैं कि चारों जो क्रॉप है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले एयर लेयरिंग जो है वो लीची में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा गुआवा में भी एयर लेयरिंग कमर्शियली करते हैं। उसके बाद आता है पैच बडिंग, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन था आंवला, तो पैच आंवला में करते हैं पैच बडिंग। पैच बडिंग के जनरली क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से एग्जाम्पल दे दिया है। पैच बडिंग जो है आंवला, जामुन और बेल तीनों में किया जाता है। आंवला, जामुन और बेल तीनों में जो है पैच बडिंग आता है, और बेल का क्वेश्चन आरएचओ में ऑलरेडी आ चुका है। पिछले साल आरएचओ में बेल का प्रोपगेशन पूछा था, तो और आंसर क्या था, पैच बडिंग। अब पैच बडिंग में करते क्या है, पैच बडिंग में कुछ नहीं करते हैं, जो भी हमारा ये सियोन है इसमें से पैच यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में बार्क जो बाहरी छाल बस होता है उसको अपन जो है रिमूव कर लेते हैं, और हमारे जो रूट स्टॉक है उसका ये रूट स्टॉक के भी पैच को रिमूव कर देते हैं बार्क के। फिर ये हमारा जो पैच है इसको इस रूट स्टॉक में ले जाके कंबाइन कर देते हैं ऐसे, और उसके बाद उसको टाई कर देते हैं, यही कहलाता है पैच बडिंग। याद ये रखना है कि पैच बडिंग हो या चिप बडिंग हो, दोनों में रेक्टेंगुलर शेप का ही लेते हैं हमारा जो बड है, बट पैच बडिंग में सिर्फ बाहरी बार्क को लेते हैं छाल को, जबकि चिप बडिंग में बार्क के साथ साथ थोड़ा सा वुड को भी ले लेते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन में था वो था मैंगो। मैंगो में हमेशा करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग जो है साइड ग्राफ्टिंग के जैसा ही होता है, बट साइड ग्राफ्टिंग में हम जब ये साइड में कट लगाते हैं और इसमें जब ये सियोन को घुसाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बार्क में कट लगाते हैं, बट वीनियर ग्राफ्टिंग के केस में हम थोड़ा सा पोर्शन वुड का भी कट कर देते हैं और इसे वुड तक घुसाते हैं और उसे अटैच करते हैं, तो इससे हमारा जो अटैचमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंगो में हम वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं। और चौथा हमारा ऑप्शन में था सपोटा, तो सपोटा में याद रखना है हमेशा सपोटा में इनार्चिंग किया जाता है। अब ये इनार्चिंग क्या होता है, इनार्चिंग को ही अप्रोच ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं या अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ा प्लांट होता है मदर प्लांट, उसके पास हम क्या करते हैं एक गमले में हम जो है रूट स्टॉक को ग्रो करते हैं, और ये रूट स्टॉक जब 1 साल का हो जाता है तब हम इसे मेन प्लांट के पास लेके जाते हैं और उनमें जो है आपस में ग्राफ्टिंग कर देते हैं, और जब ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाए फिर इसे यहाँ से डिटैच कर देते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इनार्चिंग। इनार्चिंग मेनली सपोटा में किया जाता है, इसके अलावा लोकवाट और जैकफ्रूट में भी करते हैं। जो हमारा सीटी में पांचवा क्वेश्चन था वो था पूसा नवरंग इज वेराइटी ऑफ। अब देखिए ये पूसा नवरंग या ऐसे बहुत सारे रीसेंट वेराइटीज़ हैं, ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक में मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वो सारे वेराइटीज़ का लिस्ट मैंने आगे दे दिया है। अब पूसा नवरंग जो है किसकी वेराइटी है, ऑप्शन में है ग्रेप, लोकवाट, गुआवा और मैंगो, तो पूसा नवरंग जो है वो ग्रेप की वेराइटी है। अब यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि और बहुत सारी रीसेंट वेराइटीज़ कौन कौन सी है ग्रेप में, क्योंकि ये जब पूसा नवरंग को पूछ चुका है और पिछले ये 2017 के क्वेश्चन है, 2018 में सिट्रस का रीसेंट वेराइटी पूछा था, तो मैं भी इस साल ग्रेप की कोई और को पूछ ली, तो याद रखना है हमको ये सारी वेराइटीज़ आप नोट कर लीजिए कि रीसेंट वेराइटी ऑफ ग्रेप है पूसा सीडलेस, पूसा नवरंग, पूसा उर्वशी, पूसा उदित, स्वर्णिका, अर्का हंस, अर्का श्याम और अर्का कंचन। इसमें अर्का श्याम, अर्का हंस, पूसा नवरंग और पूसा उदित और पूसा सीडलेस, ये पांच वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंगो, मैंगो की कुछ रिसेंट वैरायटीज़ हैं, अभी जो जेआरएफ का जो क्वेश्चन आया था जो कि ऑनलाइन हुआ था उसमें ये सारे हाइब्रिड्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इनमें से दो तीन हाइब्रिड के क्वेश्चन जो है आपके ये जो दो तीन हाइब्रिड के क्वेश्चन जो है आपके जेआरएफ में आया था, तो इसे आपको एकदम याद करना है अलॉन्ग विथ क्रॉस, उसमें इसके क्रॉस को पूछा था, तो आपको याद रखना है पूसा अरुणिमा का क्रॉस है आम्रपाली इंटू सेंसेशन, पूसा प्रतिभा और पूसा श्रेष्ठा, अरुणिमा प्रतिभा और श्रेष्ठा तीनों का क्रॉस है आम्रपाली इंटू सेंसेशन। इसके अलावा पूसा पीताम्बर याद रखना है ये पीले कलर का होता है आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी। इसके अलावा पूसा सूर्या को इंडिविजुअली पूछा जाता है कि पूसा सूर्या किसकी वैरायटी है, हमें जनरली ये पपाया की लगती है और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट याद रखना है कि सूर्या पपाया की वैरायटी है जबकि पूसा सूर्या जो है आपकी मैंगो की वैरायटी है। इसके अलावा अर्का पुनीत, अर्का नीलकरण, अर्का अनमोल, ये तीनों के जो क्रॉसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। तीसरा जो कोई ऑप्शन में था वो था गुआवा। गुआवा की एक रिसेंट वैरायटी है जिसे बोलते हैं
पूसा रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसे एज अ रूट स्टॉक क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पूसा रीजन याद रखना, ये ट्राइजोमिक नेचर का होता है, इसे एन्यूप्लॉइड 82 भी बोलते हैं, जिसे 2004 में पूसा रीजन के नाम से रिलीज किया गया था। इसे एज अ ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो छठवा क्वेश्चन पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फ्रूट कंटेन्स मोर फैट देन द रेस्ट। इनमें से आरों में से ऑप्शन में से अवोकेडो, सिट्रस, मैंगो और बनाना में से सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है? तो एवोकेडो में होता है। यहाँ पर मैंने लाइन से चारों के फैट कंटेंट लिख दिया है। एवोकेडो में पाया जाता है 15 ग्राम, जबकि बेर में 70 मिलीग्राम, मैंगो में 0.4 और बनाना में 0.48। तो यहाँ पास क्लियर है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा फैट कंटेंट है वो है एवोकेडो में। इसके अलावा अगर फैट कंटेंट सबसे हाइएस्ट देखा जाए तो सबसे हाइएस्ट हमारा वॉलनट में आता है 65 ग्राम, देन आलमंड में 49 ग्राम, एंड देन चेस्टनट में, सॉरी केशव नट में 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनाना शुड बी प्रोपोगेटेड बाय। बनाना के हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, स्वॉट सकर, वाटर सकर, राइजोम और स्टेम कटिंग। तो हम चाहें तो ये तीनों से हम जो बनाना को प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट बेस्ट होता है स्वॉट सकर। तो आंसर जाएगा स्वॉट सकर। अब हम देखते, अच्छा ये हमारा बनाना का प्लांट है। अब बनाना में क्या होता है, ये जो साइड से ये जो ग्रो हो रहा है ना, इसे ही सकर कहते हैं। अगर ये चौड़ी पत्ती वाले हैं तो इसे वाटर सकर बोलते हैं, अगर तलवार नुमा पत्ते वाले हैं ये, तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सकर बोलते हैं। शॉर्ट सकर बेस्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे में ये जो पोर्शन है इसे राइजोम कहते हैं, और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो एक छोटा सा सकर अभी ग्रो हो रहा है, इसे ही कहते हैं पीपर्स। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सकर ही क्यों बेस्ट होते हैं। तो शॉर्ट सकर को बेस्ट बोलते हैं, शॉर्ट सकर को पहचानने के लिए इसकी लीव जो है वो शॉर्ट के रूप में होती है। शॉर्ट सकर का जो राइजोम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, और क्योंकि वो जो है हमारे मदर प्लांट्स के एकदम क्लोजली अटैच्ड होता है, और इसमें जो फ्रूटिंग है वो 12 से 13 महीने के अंदर ही आ जाती है। 12 से 13 महीने के अंदर फ्रूटिंग आने के कारण फार्मर्स इसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके अलावा इसमें जो बंच की साइज़ है वो बहुत बड़ी आती है, इसलिए शॉर्ट सकर जो है वो बेस्ट होता है कंपेयर टू वाटर सकर। वाटर सकर में ब्रॉड शेप्ड लीव होते हैं, ये जो है वो राइजोम जो उतनी अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते, प्लस इसमें फ्रूटिंग आने में 18 महीने लग जाते हैं या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, और इसका जो बंच का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए स्वार्ट सकर को प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा भी बनाना में अगर प्रोपोगेशन करना है तो बीट्स का यूज़ करते हैं। बीट्स जो है वो राइजोम के स्मॉल अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, राइजोम के जो छोटे छोटे टुकड़े में जब बांटा जाता है तो उसे बीट्स कहते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में, और क्वेश्चंस में आजकल टिश्यू कल्चर को बहुत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बनाना में कौन से टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ करते हैं, तो मेरिस्टेम कल्चर का मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर में कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही, तो ग्रैंड नेनिया, जिसे G9 भी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉटेनिकली पाइनएप्पल इज, यानी कि पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप क्या है, बेरी, बलुस्टा, पोम या सोरोसिस। तो पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप है सोरोसिस, ये आपका सोरोसिस है, ये आपका सोरोसिस जो है पाइनएप्पल। इसके अलावा जैक फ्रूट और मलबेरी का भी है, तो इतना हमें याद रखना है, जैक फ्रूट, मलबेरी और पाइनएप्पल का सोरोसिस है। इसके अलावा बेरी, तो बेरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें बनाना, गुआवा, पपाया, अरेका नट, डेट पाम, ये सारे आते हैं। बेरी हम याद कैसे करेंगे, तो बेरी याद रखना, जैसे कि ये फोटो में दिख रहा है गूदा होता है, और गूदे में बहुत सारा सीड जो है उसमें बिखरा होता है इधर उधर, उसे ही बेरी कहते हैं। इस जैसे कि आप बनाना में देख सकते हो गुआवा, पपाया, ठीक है, ग्रेप, सपोटा, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम। बट ये जो अवाकेडो, अरेका नट और डेट पाम, डेट पाम, अवाकेडो और अरेका नट, ये तीन एकदम एक्सेप्शन, इसे आपको याद रखना है। ये तीन जो एक्सेप्शन है जो कि सिंगल सीडेड बेरी है, तो याद रखना कि एवोकेडो, डेट पाम और अरेका नट बस इसके एक्सेप्शन है, बाकी जिसमें भी बहुत सारे सीड जो है गूदे में डायरेक्ट बटे हुए हो उसे बेरी कहते हैं। फिर आता है बेलुस्टा, बेलुस्टा पोमग्रेनेट है, और पोमग्रेनेट का हमने अभी थोड़ी देर पहले पार्ट पढ़ा, इसका एडिबल पार्ट होता है एरिल, जो कि आउट ग्रोथ होता है सीड का। और आता है पोम, तो पोम हमेशा याद रखना, हमने एप्पल देखा है, पोम उस फ्रूट को बोलते हैं जिसके सेंटर में सीड के लिए अलग से खांच हो। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, सीड के लिए अलग से खांच है, और उस खांच में सीड जो अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोम कहते हैं। जैसे कि हमने नाशपत्ती में देखा है और एप्पल में देखा है, तो इसका एग्जाम्पल है एप्पल, पियर, क्वींस और लोकोआर्ट। याद रखना ये जो चारों क्रॉप है ये एक सब फैमिली में आता है, जिसे बोलते हैं पोमिडी सब फैमिली, रोजेसी के अंदर आता है। इन चारों का जो फ्रूट टाइप है वो पोम है, इसलिए पोमिडी सब फैमिली बोलते हैं। चारों का क्रोमोसोम नंबर 34 है, और चारों के चारों का एडिबल पार्ट फ्लैशी थैलेमस है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो CET 2017 में आया था वो था सुमंगला। सुमंगला इज अ इंट्रोड्यूस्ड वेरायटी ऑफ अरेका नट विच इज सेलेक्शन फ्रॉम। तो हमें पता है सुमंगला जो है अरेका नट की वेरायटी है, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, तो ऑप्शन में चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया है।
तो सुमंगला जो है वो इंडोनेशिया से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। इसके अलावा हमें पता है कि अरेकानट की वैरायटी क्या क्या होती है, सुमंगला, श्रीमंगला, सर्वमंगला, सर्ववर्धिनी, मंगला। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी कहाँ कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड है, मे भी अगले साल किसी और वैरायटी को पूछे। तो सुमंगला जो है इंडोनेशिया से इंट्रोड्यूस्ड है, इसके अलावा मंगला चाइना से और श्रीमंगला सिंगापुर से। इसके अलावा कुछ वैरायटी है जो हमारी इंडिया में भी डेवलप हुई है, जैसे कि जिसे इंडिजिनस वैरायटी बोलते हैं, श्रीवर्धिनी, मोहित नगर और साउथ कनक। ये जो पांच वैरायटी है, ये पांच वैरायटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि मोहित नगर जो है वो कहाँ से है, मोहित नगर और श्रीवर्धिनी इंडिया से, जबकि श्रीमंगला सिंगापुर, ठीक है, और उसके अलावा मंगला चाइना से और सुमंगला इंडोनेशिया से। इसके अलावा जो 10वां क्वेश्चन था वो ये था कि कोकोनट हाइब्रिड चंद्र संकरा इस क्रॉस बिटवीन चौघट ऑरेंज ड्वार्फ इनटू, मतलब जो चौघट जो चंद्र संकरा है वो किसका क्रॉस है। तो चौघट ऑरेंज ड्वार्फ और वेस्ट कोस्ट टॉल के साथ क्रॉस किया गया था, तब तो इस जो हाइब्रिड बना था उसे चंद्र संकरा भी कहते हैं। अब देखिए कोकोनट में हाइब्रिड का एक कॉन्सेप्ट है। कोकोनट दो टाइप का होता है, एक टॉल टाइप का होता है और एक ड्वार्फ। जो टॉल टाइप के होते हैं वो जो है टॉल टाइप के होते हैं और ड्वार्फ टाइप के होते हैं। तो कभी भी हाइब्रिड जो है जनरली टॉल इंटू टॉल भी बनाया जा सकता है, ड्वार्फ इंटू ड्वार्फ भी, बट हमेशा हाइब्रिड जो बनाया जाता है तो प्रीफर किया जाता है टॉल इंटू ड्वार्फ या ड्वार्फ इंटू टॉल बनाने का। तो जितने भी कोकोनट में हाइब्रिड है वो सारे टॉल इंटू ड्वार्फ या ड्वार्फ इंटू टॉल हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर अपन फीमेल को टॉल कोकोनट को एज अ फीमेल लेते हैं तो टी इंटू डी क्रॉस बोलते हैं, लेकिन अगर डॉर्फ को अगर फीमेल के रूप में लेते हैं तो उसको डी इंटू टी क्रॉस बोलते हैं। एडवांटेज क्या होता है हाइब्रिड बनाने से, अर्ली फ्लावरिंग आती है, हाई यील्ड आती है और कोपरा का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा आता है। कुछ और हाइब्रिड हैं जिसके क्रॉस हमें याद रखनी चाहिए, तो पहला है केरा शंकर जिसका क्रॉस है वेस्ट कोस्ट टॉल इंटू चौघट ऑरेंज ड्वार्फ, फिर चंद्र शंकरा चौघट ऑरेंज ड्वार्फ इंटू वेस्ट कोस्ट टॉल। इसके अलावा चंद्र लक्ष्य LCT मतलब होता है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप ऑरेंज इंटू COD, ठीक है, ये सॉरी सॉरी लक्षद्वीप ऑर्डिनरी इंटू COD यानी कि चौघट ऑरेंज ड्वार्फ। तो इतना हमें याद रखना है। फिर जो 11वां क्वेश्चन CET 2017 में आया था वो था फ्रूट फ्लाई प्यूपेट्स इंटू, तो फ्रूट फ्लाई कहाँ प्यूपेट करता है, ट्री ट्रंक, इनसाइड फ्रूट, सॉइल, लीव। तो हमेशा याद रखना है कि फ्रूट फ्लाई जो है वो सॉइल में ही प्यूपेट करता है। मे भी क्वेश्चन इस बार फ्रूट फ्लाई पूछा था, अगले बार गुआवा फ्रूट फ्लाई या बेर फ्रूट फ्लाई या अनार फ्रूट फ्लाई या ऐसा कुछ भी दे, इसे सामने इंसेक्ट लगा क्रॉप का भी नाम डाल दे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो फ्रूट फ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, इसे देख लेते हैं। फ्रूट फ्लाई का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो देखिए सबसे पहले जो फ्रूट फ्लाई है वो फीमेल ले कहाँ करती है, अंडा देती है ये फ्रूट में। उसके बाद ये अंडे जो हैं इसी फ्रूट में हैचिंग करते हैं और इसी फ्रूट में लार्वा का डेवलपमेंट होता है जो कि इसके अंदर के गूदे को खाते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये जो फ्रूट होते हैं वो ज़मीन में गिर जाते हैं और ज़मीन में गिरने के बाद इसके जो लार्वी होते हैं, ये लार्वी जो है फ्रूट से बाहर निकल के ज़मीन में जो क्रैक्स होते हैं, सॉइल के क्रैक्स होते हैं, उसमें जाके ये जो है प्यूपेशन करते हैं। ये यहाँ पर लिखा है लार्वा जो है ग्राउंड में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्यूपेशन करते हैं। और प्यूपेशन करने के बाद क्या करते हैं, कुछ समय के बाद इसमें से जो एडल्ट बाहर निकलते हैं वो फिर फ्रूट में जाके अंडे देती हैं और वो अंडे जो है सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो हमेशा याद रखना है, अगर पूछा जाए फ्रूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है तो फ्रूट में देती है, लार्वा कहाँ अटैक करता है उसके फ्रूट के गूदे में, उसके अलावा ये प्यूपेशन कहाँ करता है तो सॉइल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो ये था कि अनार बटरफ्लाई का बॉटनिक साइंटिफिक नेम पूछा था। तो ये देखिए पी लेपिडा, एस लिट्यूरा, हेलिकोवर पारमिजेरा, स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा, वीराचोला, आइसोक्रेट्स, ये सारे इसके ऑप्शंस थे। तो हमें याद रखना है अनार बटरफ्लाई का बॉटनिकल नेम है वीराचोला आइसोक्रेट्स। अभी पिछले 2 साल से ट्रेंड है, 2017 और 2018 के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली इंसेक्ट्स के बॉटनिकल नेम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2017 में फ्रूट्स के बॉटनिकल नेम पूछे थे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, जबकि 2018 में वेजिटेबल के। तो चांसेस है इस बार फिर फ्रूट्स के बॉटनिकल नेम पूछे जाए। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं उसके बॉटनिकल नेम आपको, चाहे आप एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हो या हॉर्टिकल्चर से, आप याद कर लीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं एंटमोलॉजी से इंसेक्ट के क्वेश्चंस के। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट्स हैं उसके नाम बता देता हूँ, ये फ्रूट के हैं, वेजिटेबल के भी मैं आगे डाल दूंगा। तो इसमें सबसे पहला है मैंगो हॉपर जिसका बॉटनिकल नेम है एम्बरीटोडस एटकिंसोनी। अनार बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है वीराचोला आइसोक्रेट्स। इसके अलावा गुआवा फ्रूट फ्लाई याद रखना है, गुआवा फ्रूट फ्लाई को ये भी पूछ सकते हैं प्यूपेशन कहाँ करता है तो सॉइल में।
फिर याद रखना टी मस्कीटो बैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, हेलोपेल्टिस एंटोनी। याद रखना टी मस्कीटो बग गुआवा और टी दोनों का अटैक करता है, बट अगर क्वेश्चन में आए टी मस्कीटो बग इज अ मेजर पेस्ट ऑफ, तो हमेशा याद रखना टी मस्कीटो बग जो है वो टी का, सॉरी ये टी लिख गया है गलती से, ये केशोनट है, केशोनट का मेजर पेस्ट है, तो हमें हमेशा याद रखना टी मस्कीटो बग इज अ मेजर पेस्ट ऑफ केशोनट। ये टी में अटैक नहीं करता है, गुआवा और केशोनट में होता है, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर आता है बेर फ्रूट फ्लाई, तो बेर फ्रूट फ्लाई का बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कार्पोमिया वेशोवियाना, जो बेर हम खाते हैं तो बीच में जो कंकड़ टाइप का आता है वो बेर फ्रूट फ्लाई का ही अंडा होता है। फिर आता है पपाया मिली बग, पपाया मिली बग का पिछले बार क्वेश्चन आया था 2018 में आया है ये क्वेश्चन, पपाया मिली बग का बॉटनिकल नेम क्या है, तो चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन जो है पैराकोकस से स्टार्ट होते थे, तो हमें याद रखना है पपाया मिली बग जो है वो पैराकोकस मार्जिनेटस है। फिर आता है बनाना एफिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, बनाना एफिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन तरीके से पूछ सकता है, तो बनाना एफिड का बॉटनिकल नेम पूछ सकता है, या फिर ये बोल सकता है कि बनाना एफिड जो है किसका वेक्टर है, तो याद रखना जो बनाना बंची टॉप वायरस है, जो बंची टॉप काउस करता है उसका जो आपका वेक्टर है वो है बनाना एफिड। फिर उसके बाद राइजोम विविल कॉस्मोपोलाइट सॉडिडस, ये याद रखना है, सिट्रस सिल्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रस सिल्ला डियाफोरिमा सिट्री, तो सिट्रस में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो सिट्रस ग्रीनिंग का वेक्टर कौन है, तो आपको याद रखना है सिट्रस सिल्ला जिसका बॉटनिकल नेम डियाफोरिमा सिट्री है, तो सिट्रस सिल्ला इज अ वेक्टर ऑफ सिट्रस ग्रीनिंग। फिर आता है आपका फ्रूट सकिंग मोथ, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था 2019 में कि फ्रूट सकिंग मोथ से एक क्वेश्चन आया था कि सिट्रस में ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसके अटैक करने से फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, तो हमेशा आपको याद रखना है फ्रूट सकिंग मोथ एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि फ्रूट को पंचर करता है और बाद में जिस फ्रूट को उसने पंचर किया वो फ्रूट जो है वो डैमेज होकर ज़मीन में गिर जाता है, तो याद रखना है फ्रूट सकिंग मोथ जो है वो ऑथेरिस मैटरना इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है, ये जो है फ्रूट ड्रॉप कॉज करता है, इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाने के लिए हम जो है सिट्रस के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बैगिंग करते हैं। इसके अलावा लेमन बटरफ्लाई का आपको बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पेपेलियो डेमोलियस। इसके अलावा एप्पल के दो इंसेक्ट्स हैं सेंट जोस स्केल और वूली एप्पल एफिड, ये दोनों बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट जोस स्केल जो है आपका क्वाड्रा एस्पिडियोटस परनिसियोसस, ये बॉटनिकल नेम हमें याद रखना है, याद रखने के लिए अपन इसको याद कर सकते हैं कि चार एसपी मिल के भी सेंट जोस स्केल को फैलने से बढ़ नहीं सकते, तो चार यानी कि क्वाड्रा एसपी एसपी बाकी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, तो चार एसपी मिलके भी सेंट जोस स्केल को बढ़ने से रोक नहीं सकते। उसके अलावा वूली एप्पल एफिड एरियोसामा लानिजीरम, ये हमें याद रखना है वूली एप्पल एफिड को, वूली एप्पल एफिड के लिए एप्पल में कुछ रूट स्टॉक्स हैं जो कि एमएम सीरीज़ के हैं, MM104, तो मेलिंग मार्टन या एमएम सीरीज़ के जितने भी रूट स्टॉक होते हैं वो वूली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक वेराइटी भी है नॉर्दर्न स्पाई, तो ये आपको याद रखना है। अब वूली एप्पल एफिड हम बॉटनिकल नेम कैसे याद करेंगे, तो हमने देखा है गब्बर कैसे चिल्लाता था अरियो सांभा, तो वैसे ही याद रखना है अरियो सामा लानिजीरम, तो वूली एप्पल एफिड का नाम आपको याद रहेगा। ओके फ्रेंड, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो के जो भी आपके रिव्यू हैं अच्छे बुरे या वीडियो लेंदी है या नॉर्मल है वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता दिए, तो फिर मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा।